अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ट्रेंड्स जो पाकिस्तान में चल रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। नाज़रीन इकराम, एक साइड पे खून की होली खेली गई इस्लामाबाद में और दूसरी साइड पे रियासत को जिन कामों पे लगाया जा रहा है वो बड़े शर्मनाक हैं। यानी इस हुकूमत ने शायद ये ठान ली है कि लोगों को गलत कामों पर लगाना है, इसलिए रोज़ाना की बुनियाद पर न सिर्फ उल्टी सीधी वीडियोज़ वायरल की जाती हैं, लीक की जाती हैं टिकटॉकर्स की और दो दो टके के लोगों की, बल्कि ऐसे ऐसे ट्रेंड्स बनाए जाते हैं कि लोग उन्हीं में मसरूफ़ रहें और बदतरीन चीज़ें देखने को मिलती रहें लोगों को, और लोग किसी भी सूरत उन चीज़ों पे फोकस ना कर सकें जिनका ताल्लुक हुकूमती नालायकी से है या हुकूमती फस्ताइत से है। बहरहाल, एक मरतबा फिर इन टिकटॉकर्स को सर आँखों पर बिठाने की तैयारियां हैं और नासिबा वीडियोस के ज़रिए से उल्टी सीधी चीज़ों के ज़रिए से मुख्तलिफ ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं जो बड़ी शर्मनाक तरीन हैं, और इन टिकटॉकर्स को, इन नाचने गाने वालियों को, इन सोशल मीडिया ऐप्स पर वायरल लोगों को, एक्ट्रेसेस एक्टर्स वगैरह को, औरत मार्च वालियों को खुली आज़ादी दे दी गई है कि काम को बरगलाओ और शैतानी तर्ज अमल इख्तियार करो। ऐसे में बहुत से चेहरे इस्तेमाल हो रहे हैं और कमल आफ्ताब से भी काम को यही शिकवा है। ये कुछ इस तरीके से, इस अंदाज में देखने को मिल रही हैं जिस पे लोग अब सवालात उठाते नज़र आ रहे हैं, और गलत और सही की पहचान क्योंकि काम जानती है, इसलिए अब लोगों ने इनके इस तर्ज अमल को और इनके शोहर के तर्ज अमल को काफ़ी ज़्यादा गलत करार दिया गया है। वैसे भी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक औरत अपने साथ चार मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप, भाई, शोहर और बेटा। तो हम में से हर एक को कम से कम इन लोगों के पीछे चलने से कबल इस मामले में सोचना होगा कि आज तक गलत करके हमें क्या मिला है, बदनसरी करके बुरा देख के हमें क्या मिला है, और अगर कुछ नहीं मिला तो कम अज़ कम फर्मा बरदारी में दिल का सुकून तो मिलता है। कम से कम हम में से हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को समझाएं, उनकी तवज्जो दीन पे, मजहब पे, इस्लाम पे लगवाएं, जो दुश्मन के इरादे हैं उन्हें खाक करें और अपने मकासद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद अपनी जारी रखें और गलत चीज़ों से बचने की कोशिश करें। एज ए नेशन हमें सोचना होगा, और बेहतरी की राहें हमवार तभी होंगी जब हम अल्लाह के अहकाम यानी अमर बिल मारूफ, अच्छाई के हुक्म देने व नहीं अनिल मुनकर और बुराई से रोकने का हुक्म हम देंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और आज की यह वीडियो जितना हो सके आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा।